हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आ गया हूँ R15V4 की रिव्यू वीडियो। और इससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले डाला था कि डिलीवरी वीडियो 1-1.5 महीना हुआ है लगभग। आज मैं इसको लेके आ गया। मेटेलिक रेड कलर में क्या ही प्यारी लगती है ये कलर। अभी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगा तो फिर आपने देखे भी कम रहेंगे, पर ये ऐसी है ना कि अगर रोड पर लेके निकलो तो कोई ना कोई इसको पलट के देखना ही देखना है। और इसकी एक बहुत अच्छी बात जो सबको लगती है, इसका लाइट यार बहुत अच्छा कंपनी ने दी है। काफ़ी खूबसूरत लगता है लाइट चलते हुए R15। ऐसा लगता है आखे दो। तो अभी इसकी बात करते हैं इसकी चाबी के बारे में। तो ये रही इसकी चाबी, और इसको जब लगाए और चालू करेंगे तो कुछ ऐसा लगता है। ऐप से कनेक्ट दिया जैसे कि बैटरी वगैरह बताता है और मैप वगैरह बताता है, वो कोई काम का होगा नहीं। अगर किसी को मैप वगैरह देखना है तो इसका मैप समझने में भी नहीं आने वाला इतने अच्छे से, अलग से मैप लगाना ही पड़ेगा। जो उसका सपोर्ट है, साइड सपोर्ट जो थाई सपोर्ट बोलते हैं, वो भी ठीक ठाक से दिया है। अगर रख के बराबर चलाते हैं तो ठीक ठाक से सपोर्ट बन जाता है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी साइड से दिखा तो आराम से दिखती कैसे रोड पे जब चलती है, तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है चलने में। और एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम छोटी सी बाइक लगती है। और ये देखो, एक इसके नेगेटिव पॉइंट, हाथ कैसे लाल पड़ जा रहे हैं जब ये चल रहा है, क्योंकि पूरे हाथ की फोर्स यहाँ पर आ जा रहा है। और इसका जो पोजिंग वगैरह है वो स्पोर्ट बाइक का दिया हुआ है, तो सिटी में बहुत हार्ड पड़ रहा है, बार बार ब्रेक मारो वगैरह के लिए। और एक चीज़, इसका मिरर हो गया है भाई। मिरर जब ऐसा रहता है ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती है गाड़ी जितना मिरर बंद में अच्छी लगती है। देखो ये मिरर बंद करें और अब गाड़ी देखो लुक में अच्छी लगती है, पर मिरर बंद करेंगे तो दिखेंगी नहीं, फिर खोल के चलाना पड़ेगा। और सिटी रोड में हम लोग नॉर्मली चला रहे थे तो हेलमेट फिलहाल नहीं पहना मैं, पहले स्लो चलता हूँ ना, वीडियो भी देखनी है। अभी नॉर्मली ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। देखो वही चीज़ हो रही है जैसा बताया, अभी भी हाथ पे काफ़ी अच्छा खासा फोर्स आ रहा है और ये ग्रिप के वजह से निशान भी आ रहा है। नहीं तो गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बात करते हैं इसकी EMI वगैरह के बारे में। तो नॉर्मली EMI अगर अपनी सिविल स्कोर अच्छी रहती है तो 30% से कम में भी हो जाता है, नहीं तो 35% DP देना पड़ता है। जैसे 215,000 की बाइक है उसमें 35% 77 के आसपास कुछ बनेगा और बाकी सब लोन हो जाता है। शाम काफ़ी हो चुकी है इसलिए अभी हम लोग जा नहीं सकते इसको ऑफ रोडिंग वगैरह पे लेके जाने थोड़ा, क्योंकि अभी लगभग 6 बजने ही वाले और 6:30 तक अंधेरा होना चालू हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में ऑफ रोडिंग की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करो, रिव्यू वगैरह तो सब दे देते हैं। और बस 2024 का ये कलर भाई क्या लगता है ना कि लोग एक बार देखते ही ये रेड रंग कौन सी का बाइक है, जिन जिनको नहीं पता। अभी भी मैं 2 मिनट खड़े नहीं हुआ था कि अंकल लोग पूछ रहे थे कितने की लिए, क्या कितना माइलेज देती वगैरह। तो फर्स्ट गियर का टॉप हम लोग देखते कितना तक जाता है।